हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसे कि मार्केट काफ़ी गिरी नीचे, फिर उसके बाद ऊपर आई और मैंने कुछ स्टॉक्स आपको सजेस्ट किए थे। ओके, और वो स्टॉक्स काफ़ी काफ़ी मतलब 3%, 4%, 5% तक भागे हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड बातें करेंगे, कुछ उसमें अच्छी न्यूज़ आई है उससे रिलेटेड बातें करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कुछ स्ट्रेटजी की जिसके थ्रू आप अगर बाई बाई करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो यहीं पर ही दिखाऊंगा क्या, यहाँ निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस यहाँ पर कुछ टेक्निकल ग्रेज आ गए थे 11 बजे के आसपास। ओके, तो ट्रेडिंग सेशन वगैरह सब कुछ स्टॉप हो गया था। और अगर हम देखें फिर उसके बाद मार्केट ने क्या जंप लगाया है आपके सामने है, लगभग 15,000 हमने क्रॉस कर दिया है। ओके, इसके लिए उन लोगों को ने जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी, कौन सी वाली देखी, ये वाली क्रैश होते रहेंगे पर इन्वेस्टर लास्ट में जीत जीतते नजर आएंगे, बाय ऑन डिप्स करते रहो इन स्टॉक्स में। ओके, तो मैंने पर्टिकुलर स्टॉक्स बताए थे और आपको बताया था इन स्टॉक्स को खरीदते रहो, तो इस वीडियो का लिंक ऊपर दे दूंगा तो आप देख लीजिएगा। और अभी भी कह रहा हूँ इन स्टॉक्स को दोबारा खरीदिए, मार्केट अभी इतनी नहीं भागी है। और जो मेरे को पर्सनली लगता है, जितना मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टारगेट है। ओके, इस बार का टारगेट 16,000 का ऐसी थे। ओके, 16,000 के आसपास आने पर मार्केट एक बार जरूर गिरेगी लाइक दैट। ओके, बट 15,500 तो क्रॉस करेगी करेगी। ओके, जो कि रिसेंटली किया ही था, बट अभी ये 15,500 को क्रॉस करके, और ये ज़्यादा नहीं, ये आपको कमिंग वीक में मार्च के फर्स्ट वीक तक होता हुआ नज़र आ जाएगा। ओके, और उसके बाद आते आते लास्ट में आपको मार्केट गिरती हुई नज़र आएगी, वहाँ कंसोलिडेट कर देगा, जो मुझे लगता है पर्सनली। तो और भी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमेशा की तरह कि आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और हमारी इस चैनल को ग्रो करने में मदद करिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए हमारी वीडियो को, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सके, उनसे उन्हें भी कुछ स्टॉक नॉलेज, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉफिट हो सके। और एज वेल एज नीचे दो लिंक दिए हुए हैं, तो यहाँ पर एक लिंक है ट्रेडिंग अकाउंट का, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, एंजल ब्रोकिंग के साथ बहुत अच्छे बेनिफिट्स है। और एज वेल एज एक और लिंक दिया है यहाँ श्री राम जी का, आपको पता ही है अयोध्या में मंदिर बन रहा है। तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट पर जाके आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी डोनेट कर सकते हो और एक पुण्य काम में मदद कर सकते हैं। तो आइए, यहाँ पर मैंने कल एक स्टॉक बताया था, सबसे पहले उसी की बात करेंगे। तो ICICI सिक्योरिटीज, मैंने आपको बताया था कि शेयर को ले लीजिए, लगभग 398 के आसपास चल रहा था, और आज की डेट में वो स्टॉक 4% की जंप लगाते हुए आपको नजर आया। जिसने भी यहाँ पर देखा होगा, ओके, इस वीडियो को और इसमें रिएक्ट किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इस वीडियो का लिंक भी ऊपर दे दूंगा, तो इसे आप जरूर देख लीजिएगा, इससे आपको इस बिजनेस की आपको नॉलेज आ जाएगी कि एक्चुअली ये बिजनेस में आपको दम क्यों दिखाई देता है, तो वो देख लीजिएगा। तो बट भाई, जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल अलग है। क्या अलग है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया एक शेयर है इपका लेबोरेटरीज। ओके, ये मैं शेयर आपको काफ़ी टाइम से सजेस्ट करते आ रहा हूँ। अगर मैं बात बताऊँ, यहाँ पर एक महीने की भी ले लेते हैं, तो ये शेयर एक महीने तो नहीं है, 2400 के आसपास जाके, देखिए यहाँ पर 52 वीक हाई, तो 2400 के पास आ जाके, और लगभग लगभग 1800 पे, 1800 पे ये शेयर आज की डेट में, ओके, कल की डेट में आते हुए हमें दिखा था। और अगर हम यहाँ पर देखें, तो मैं आपको पिछले काफ़ी दिनों से इस शेयर को सजेस्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे तो रीज़न बताऊंगा ही, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो ये शेयर ने, देखिए, आज जंप लगाई है, अच्छी खासी जंप लगाई है, और ये शेयर डिजर्व करता है। ओके, अगेन कहाँ पर आने का, तो ये दोबारा शेयर आने का डिजर्व करता है, लगभग 2200-2300 के इर्द गिर्द, या जो इसका प्रीवियस हाई था उसको इर्द गिर्द क्रॉस कर सकता है, तो इसकी तरफ नज़रें बनी रहिएगा। इसको मैंने क्यों बताया था, सजेस्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका RSI केवल 30 के आसपास ही है, मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल है, रिस्क थोड़ा सा ही है, और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आपको अच्छा खासा। और यहाँ पर ये जो इंडिकेटर लगा हुआ है ना, ये इंडिकेटर यहाँ पर बाई करने के लिए कह रहा है, बट आपको और नीचे पे अगर ये शेयर मिल रहा है तो वाई नॉट, क्यों ना खरीदे इस शेयर को। तो ये शेयर डिजर्व करता है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स, रिजल्ट्स, एवरीथिंग इज़ फंटास्टिक, जाके इसकी तरफ नज़रें बना के रखिए। इसके अलावा एक शेयर और मैंने आपको बताया था, तो उस शेयर का नाम था डिविस लेबोरेटरीज, जो कि आपको पता ही है। ये शेयर भी देखिए, यहाँ पर लगभग आज के दिन
3320 रुपये के आसपास नीचे आया था, और फिर उसके बाद यहाँ पर जंप लगती हुई आपको दिखाई दी है। ये 1% दिखा रहा है, बट ये मोर देन 1% का है। और के और आपको बताना चाहता हूँ, अगर इसके ब्लो से आप नीचे देखेंगे, नीचे से देखेंगे, तो आपको पता चलेगी इस स्टॉक ने आज कितना, लगभग इसने भी 2% के लगभग जंप लगाती हुई दिखाई दी है। और ये इसका जो प्रीवियस हाई था 3914 के आसपास था, ये शेयर मैंने आपको जब भी बताया था जब 1300 के आसपास था, और इसके बाद ये शेयर देखिए यहाँ पर बताया था, ओके, फिर यहाँ पर जंप लगाई इसने, यहाँ तक गया, फिर उसके बाद यहाँ पर अब दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर इसका भी हम RSI देखें, तो इसका भी RSI काफ़ी फेवरेबल है। देखिए यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी का ये सिग्नल है कि यहाँ पर बाइंग करें, तो इसी के आसपास ये शेयर चल रहा है, ओके। तो यहाँ पर अगर आपको दोबारा शेयर मिलता है, तो यहाँ पर ये शेयर ले लीजिए। किस तरीके से लेना है, अब इसमें दो स्ट्रेटेजी काम करेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा एक और शेयर है आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स से रिलेटेड देखिए, अगर हम 1 महीने से देखें, तो ये शेयर गिरते ही जा रहा है, ओके। अगर हम देखें 6 महीने पहले एक बार यहाँ पर ये 3000 के आसपास ये शेयर हुआ करता था, ओके। तो यहाँ पर स्प्लिट हुआ 1:3 में, तो ये जिनके पोर्टफोलियो में एक शेयर था उन्हें 3 मिल गए, इस तरीके से यहाँ पर स्प्लिट होता हुआ नज़र आया था। तो अभी लगभग 37 से 38% ये शेयर गिरा हुआ है। और अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से ये शेयर काफ़ी जंप लगाई है। इसके पीछे दो तीन कारण हैं, आप मेरे ख्याल से जानते ही होंगे। एक तो चाइना के साथ क्लैशेस, ओके, एज वेल एज ये जिस कंपनी काम करती है APIs में काम करती है, आर्टिफिशियल सॉरी एक्टिव न्यू एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स में काम करती है, तो इसके जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको फ्यूचर में भी देख सकता है, तो इसकी तरफ नज़रें बना के रखिएगा। तो बस इसमें बस ज़्यादा इन्वेस्ट मेरे को लगता है कि ज़्यादा नहीं करना चाहिए आपको इन्वेस्ट। और अगर इसका RSI की बात करें, तो देखिए इसका RSI भी काफ़ी फेवरेबल है, 33 के RSI की यहाँ पर RSI आप देख सकते हैं चेंज होता है, तो यहाँ पर 33 के आसपास ही RSI चल रहा है। तो यहाँ पर बाई ऑन डिप्स करके आप खरीद सकते हैं, ये अच्छी स्कीम रहेगी। और इसके अलावा एक न्यूज़ है, अगर देखिए डिविस लेबोरेटरीज एक बहुत बड़े मतलब ब्रोकरेज फर्म है विलियम ओनील के नाम से, तो उन्होंने यहाँ पर डिविस लेबोरेटरीज को एक गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे मंगा है, गुड बैट का है कि यहाँ पर आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, आपको आगे चल के प्रॉफिट दे सकता है। बट इसके अलावा एक न्यूज़ हो रहा है हमारी इसी से रिलेटेड, तो देखिए कैबिनेट टू अप्रूव PLI, ओके, PLI स्कीम फॉर, तो ये PLI स्कीम के अंडर अंडर में ना ये आ गया है, क्या आ गया है, मेडिकल डिवाइसेस। तो मेडिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स जो ये बनाते हैं ना, तो उस कंपनीज पे भी आपको ध्यान रखना है, ओके। तो उसमें भी आपको काफ़ी प्रॉफिट मिल सकता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ओके, आप न्यूज़ डालेंगे PLI स्कीम, तो यहाँ पर देखिए PLI स्कीम न्यूज़, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जितनी भी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज लाइक TVS इलेक्ट्रॉनिक है, 10% का आपके सर्किट पर चल रहा था, तो उनकी तरफ नज़र बना लीजिएगा, तो फ्यूचर में उसमें भी आपको प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा। तो अब मैं एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ क्या, तो देखिए बाय ऑन डिप्स तो हम हमेशा करते ही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये शेयर अभी आपको शायद गिरता हुआ नज़र आएगा, तो आपको गिरता हुआ नज़र नहीं आएगा, बट इसका टारगेट जो है ना 2200-2300 रुपये के आसपास मुझे नज़र आता है आने वाले टाइम में, मार्च में ही इवन। तो आपको क्या करना है, बाय ऑन डिप्स अगर मौका मिलता है तो बाय ऑन डिप्स करिएगा, अदरवाइज इन सभी स्टॉक में, चाहे इपका लेबोरेटरीज हो, चाहे डिविस लैब हो, या फिर आरती ड्रग्स हो, तो इनमें आपको बाय ऑन डिप्स के साथ साथ बाय ऑन अप भी करना है। बाय ऑन अप का मतलब क्या है कि अगर आपका शेयर थोड़ा बढ़ता भी जा रहा है ना, तो आपको उसमें भी करना है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको ये प्रॉफिट देता हुआ ही नजर आएगा। ये शेयर सारे के सारे आपको प्रॉफिट देते हुए नजर आएंगे कहीं, क्योंकि शेयर देखिए भाग रहा है, तो हम भागते हुए नीचे गिरे या ना गिरे, बट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम ऊपर खरीदते रहे एक एक दो दो क्वांटिटी, अगर नीचे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो नीचे भी खरीदेंगे, और अगर शेयर भागते हुआ हमें पकड़ में आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा उसमें बस उसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी हमें खरीदते रहना है। तो ऐसा होगा कि अगर जैसे 1900 पे आ गया तो हमने एक खरीद लिया, 1950 पे आ गया तो एक और खरीद लिया, तो इस तरीके से अगर 1900-2000 रुपये तक आसपास आप कर सकते हो, ऊपर ऊपर लेवल पर भी खरीद सकते हो, फिर उसके बाद अगर बढ़ता है अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलता हुआ नजर आ जाएगा एवरेज करते हो, और बाकी नीचे आता है तो इसे बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसमें हमें साफ नज़र आता है। बाकी निफ्टी का टारगेट मैंने आपको बता दिया है, आने वाले टाइम में आपको ये 16,000 तक आते जाते दिखेगा, फिर उसके बाद फिर दोबारा एक गिरावट होती हुई नज़र आएगी, फिर दोबारा एक पैनिक मचेगा, फिर दोबारा इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो से शेयर निकाले जाएंगे, ओके। और तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको कैश जनरेट करना है। कैश जनरेट कैसे करना है, आपको जो भी शेयर में प्रॉफिट होता है उसे सीधे सीधे निकालना है,
ओके प्रॉफिट निकालना है और दूसरे शेयरों में आपको इन्वेस्ट करना है, ओके कैश को जनरेट करके रखना है। तो आपको जब भी इस तरीके की गिरावट आपको मिलेगी ना, तो आपको एक नीचे लेवल पर शेयर खरीदने का मौका मिलेगा, और शेयर ज़्यादा नहीं, आपको वही गिने चुने शेयर जो आपके अच्छे शार खासे शेयर है वही आपको खरीदने हैं। आपको नए शेयर सर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने एक और वीडियो बनाया था, अगर मेरे को यहाँ पर मिल जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने एक वीडियो और बनाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप ये खरीद करते रहिए तो आपको क्वार्टरली क्वार्टरली आपको अच्छा खासा, मतलब अगर बात की जाए तो क्वार्टरली आपको 10-20% का प्रॉफिट हो। देखिए किसी भी शेयर को कब खरीदे, सिंपल स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर अगर आप करते हैं ना, तो क्वार्टरली आपको 10-20% का, अगर एवरेज 15 भी हम लगा के चलते हैं, अगर आपको एक क्वार्टर में 15% का प्रॉफिट हो जाता है, तो सिंपल ईयरली 60% का प्रॉफिट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, इसका भी लिंक ऊपर दे दूंगा। काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसे भी आप अप्लाई कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा है मार्केट से कमा सकते हो, जो मुझे पर्सनली लगता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस सारी वीडियो को देखिए, ओके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। और बाकी कोई भी पोजिशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।